गुड इवनिंग दोस्तों। दो तरह के पर्सन्स मेन होते हैं, एक होता है फेयरली कैपेबल और दूसरा होता है एक्सट्रीमली कैपेबल और कैपेबल। लेकिन एक तीसरा पर्सन फेयरली कैपेबल से नीचे होता है, उसके केस में अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी ही बनी रहती है। As it's quite obvious from today's video, wearing the title as a capability brings certainty. Uncertainty भी होगी तो उसमें भी कुछ ना कुछ certainty आ जाएगी, बशर्ते कि capability हो। Capability means highly developed self-confidence. And here, incapable person is almost inconfident. इन पहले ही लगा हुआ है। That is why I have titled today's video as capability brings certainty. निश्चितताएं लेके ही आती है। अनसर्टेनिटी में भी काफी कुछ सर्टेनिटीज को वो फाइंड आउट कर लेती है। अगर कैपेबिलिटी वाकई में हाईली डेवलप्ड कॉमन सेंस के साथ है तो सो लेट अस बिगिन विद। आज इच्छा तो हो रही थी कि उस साइड से शुरू करूं, लेकिन हमेशा की तरह पहले इनकैपेबल को ही देख लेना, मतलब हमेशा की तरह इस साइड से देख लें। सो लेट मी बिगिन विद दोज हु आर इनकैपेबल। इनकैपेबल के केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अनरिदमिक टास्क प्लस अनसर्टेनिटीज। टास्क हैंडलिंग प्लस अनसर्टेनिटी दोनों एक साथ हैंडल होना चाहिए, लेकिन अनरिदमिक हैंडलिंग है। मैंने इसको कर दिया अनरिदमिक टास्किंग प्लस अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज हैं और उनसे रिदम में इसकी टास्किंग नहीं है। अनसर्टेनिटीज से इनकी टास्किंग की रिदम मैच नहीं करती है। अल्टीमेटली क्या होता है, काम करते करते ऑब्जर्व्स दिस पर्सन इनकैपेबल पर्सन ऑब्जर्व्स ब्लर्ड पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटीज दिखाई देती है लेकिन धुंधली दिखाई देती है। अब धुंधली में भी उसमें कितनी पॉजिटिविटी उसके लिए है पॉसिबिलिटीज में पता नहीं। सो व्हाट हैपेंस अनसर्टेनिटी, अब ये उठ के अनसर्टेनिटी अकेली उठकर यहां आती है, वहां भी आएगी, यहां अकेली उठकर आती है। और उठकर आने के बाद सिर्फ ये दो ही सिम्टम्स देती है आदमी को। नंबर वन मोनोटोनस वर्किंग ओनली, केवल मोनोटोनस वर्किंग है, चले जा रहे हैं रोज की तरह। एंड नो प्रोग्रेसिव ट्रैक, ये प्रोग्रेसिव ट्रैक वहां पर है, इसको अभी डिस्कस करूंगा। सो दो कैरेक्टरिस्टिक्स इस आदमी में आ जाते हैं, मोनोटोनस वर्किंग ओनली एंड नो प्रोग्रेसिव टास्क। प्रोग्रेसिव टास्क कुछ नहीं होता। द रिजल्ट यहां ये है, कैपिटल विद इनकैपेबल ब्रेन इज लाइक ए हीप ऑफ सैंड। कैपिटल इसने लगाया हो बिजनेस में या किसी दूसरे ने लगाया हो और इस आदमी को रख लिया कि काम कर, तो ये क्या करेगा। वो जो कैपिटल इसके ऊपर इन्वेस्ट किया जा रहा है यानी काम टास्क, उस टास्क को ही बर्बाद करेगा, तो अल्टीमेटली उस कैपिटल को बर्बाद करेगा। सो कैपिटल विद इनकैपेबल ब्रेन इज लाइक ए हीप ऑफ सैंड, रेत का ढेर हो जाता है। जो पैसा उसने टोटल इन्वेस्टमेंट किया काम के लिए, काम करवा रहा है और उस टोटल काम में से टोटल टास्क हैंडलिंग में से जितनी इसके पास है वो सिर्फ हीप ऑफ सैंड है। दैट्स ओनली इन द फॉर्म ऑफ हीप ऑफ सैंड, रेत का ढेर। नाउ कम टू द आइडियल पर्सन, स्टैंडर्ड आइडियल पर्सन कैपेबल वन। व्हाट डज ही डू, वो क्या करता है। हैंडल्स द जॉब प्लस अनसर्टेनिटीज रिदमिकली। दोनों के बीच में एक तालमेल होता है, एक रिदम होती है दोनों के बीच में, अनसर्टेनिटी और टास्क हैंडलिंग। हैंडल्स द जॉब प्लस अनसर्टेनिटीज रिदमिकली, एक रिदम रहता है दोनों के बीच में। व्हाट हैपेंस देन, जब वो रिदमिकली काम करता है तो व्यूज क्लियरली ऑल अपीयरिंग पॉसिबिलिटीज। काम करते करते उसको जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि समय के साथ आगे आएंगी, प्लस पॉसिबिलिटी मींस प्लस, सो व्यूज क्लियरली ऑल अपीयरिंग पॉसिबिलिटीज, उसको सारी पॉसिबिलिटीज बिल्कुल क्लियर दिखाई देती हैं। यहां की तरह कोई ब्लर नहीं होता, कोई ब्लर नहीं होता।
अब जब ये पॉसिबिलिटीज दिखाई दे गई, नाउ व्हाट हैपेंस, ये अनसर्टेनिटीज जो है इसके भी सामने आती है, लेकिन ये क्या करता है, ये कन्वर्ट्स अनसर्टेनिटीज इनटू सर्टेनिटी, कन्वर्ट्स अनसर्टेनिटी इनटू सर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी तो चली रही है इसके साथ, लेकिन जब क्लियरली अपीयरिंग पॉसिबिलिटीज इसकी नजर के सामने आती है, तो ये क्या करता है, उठ के जाता है, उठ के अपने कॉन्सेप्टेशन को वहां लगाता है, वो कन्वर्ट करता है उनमें से कुछ अनसर्टेनिटीज को या अनसर्टेनिटी को किसमें, कन्वर्ट इनटू सर्टेनिटी, सर्टेनिटी में कन्वर्ट कर देता है। हाफ द पॉसिबिलिटीज हैव बीन कैरिड आउट टू ब्रिंग अबाउट समथिंग पॉजिटिव इन वंस टास्क, मीन्स 50% uncertainties are converted into certainty. Sometimes 100% also are converted into certainty even. So now what happens? Certainty जहाँ आई वहाँ क्या होता है? Makes capital. Capital को कैसा बनाता है now? वो जो capital उसके ऊपर लगाया या खुद ही entrepreneur है, दोनों केस में certainty में convert कर लेता है, तो उसके बाद makes capital non-depreciable, नॉन स्टीलेबल एंड नॉन एक्सपेंडेबल। ना तो उस कैपिटल को डेप्रिशिएबल होने देता, ना ही उसको चोरी करने योग्य होने देता, और ना ही उसको एक्सपेंडेबल यानी खर्च होने लायक भी नहीं होने देता। मीन्स कैपिटल इज टोटली सेफ इन हिज हैंड, वट एवर द कैपिटल हैज बीन ब्रॉट अबाउट अप टू that person, that capital will never be depreciable, stealable or expendable, kharchila bhi nahi hoga. So certainty, when uncertainty is converted into certainty, that person makes capital non depreciable, non stealable, non expendable. ye iska total yahan se shuru hota hai, uncertainty jo hai पकड़ता है वो वहां से, ये जो शुरू होता है पूरा का पूरा प्रोसेस यहां तक, ये कहलाता है प्रोग्रेसिव टास्क, जो कि यहां ट्रैक, प्रोग्रेसिव ट्रैक जो कि यहां पर नहीं है, नो प्रोग्रेसिव ट्रैक यहां पर नहीं है, वहां प्रोग्रेसिव ट्रैक है और इफेक्टिव है। जब ये इफेक्टिव है देन व्हाट विल हैपन, कैपिटल विद कैपेबल ब्रेन इज लाइक अ गोल्ड माइन, सोने की खदान जैसा हो जाता है। जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया है और उसका जो भी पार्ट एज इन द फॉर्म ऑफ वर्क उसके हाथ में आया है, वो तो उसके लिए गोल्ड माइन है, एंड अल्टीमेटली टू द एम्प्लॉयर आल्सो, इन केस ऑफ एंटरप्रेन्योर आल्सो यही होता है। यहाँ हीप ऑफ सैंड है एंटरप्रेन्योर के लिए, वहां एंटरप्रेन्योर के लिए गोल्ड माइन है, डिपेंड करता है। ये अभी अभी कुछ टर्म्स ध्यान में आए थे, ये अनरिदमिक टास्किंग और हैंडल्स द जॉब प्लस अनसर्टेनिटीज रिदमिकली, रिदमिकल हैंडलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी, ये टर्म सामने आया था। द रिजल्ट टुडेज वीडियो, बस यही बताना था, और पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, आप पर है। आज इतना ही, मोर नेक्स्ट टाइम, गुड नाइट।